तो सबसे पहले आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा डिक्शनरी को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे एक्सेस करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं और डिक्शनरी को डिलीट कैसे करते हैं। तो ये जो हमारे चार टॉपिक हैं ये हमारे पिछले वीडियो से ही लिए गए हैं, बट बात ये कि इसको मैं दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शंस पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी के अबाउट। यहाँ पे 12 यहाँ पे फंक्शन है हमारे सामने, इन 12 फंक्शंस के बारे में एक एक करके जानेंगे कि एक एक का क्या यूज़ है और एक एक के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिक्लेयरिंग अ डिक्शनरी। हम लोग क्या करते हैं ना, पाइथन आइडियली ओपन करते हैं, तो डिक्शनरी को डिक्लेयर करना, तो जल्दी से मैं बताता हूँ डिक्शनरी क्या होती है। जैसे आपके नॉर्मल घर पे डिक्शनरी होती है जिसमें क्या होता है, की और वैल्यू होती है, मतलब वर्ड या मीनिंग होती है, उसी तरह की वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है, तो उसी उसी को डिक्शनरी बोलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है डिक्लेयरिंग अ डिक्शनरी। सबसे पहले देख लेते हैं डिक्शनरी को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले खाली डिक्शनरी को डिक्लेयर करना सीखते हैं। तो मान लो हमारी डिक्शनरी का नाम है डी, ठीक है, तो अगर मुझे खाली डिक्शनरी डिक्लेयर करनी है तो मैं क्या करूँगा, दो कर्ली ब्रेसेस बना दूंगा। तो अगर पता करना चाहूँ कि इसका टाइप क्या है तो पता चल जाएगा कि डिक्ट टाइप है, मतलब डिक्शनरी टाइप है। तो एक और तरह से हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हैं, वो कैसे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू डी आई सी टी डिक्ट और उसके बाद ये दो ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। अब हम देखें कि डी का क्या टाइप है, तो अभी भी वो क्या दिखाएगा कि डिक्शनरी उसका टाइप है। तो ये तो था कि हम लोग कैसे एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। फिर आता है डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स कैसे रखे जाते हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा डी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट बनाया तो मेरी की है, तो की मैं कोई भी रख सकता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि की जो होगी वो मेरी, वो होंगे लोगों के नाम और जो वैल्यू होगी वो होंगे उनके मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मान लो कि एक बंदे का नाम है आदर्श, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोलन का साइन लगाते हैं। फिर इसके कितने मार्क्स है, इनके आए 65 कॉमा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरे बच्चे का नाम लिखना है, उसका नाम क्या है अमित, ठीक है, एंड इसके कितने मार्क्स है 89, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक तीसरा बच्चा है, उसका क्या नाम है वरुण, ठीक है, और उसके कितने मार्क्स आए हैं 90। तो ये तो था मेरा कैसे हम लोग डिक्शनरी में एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्शनरी को इनिशियलाइज करा जाता है खूब सारी वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो कि एक्सेसिंग वैल्यूज इन डिक्शनरी। डिक्शनरी से अगर हम लोग को कोई वैल्यू चाहिए होती है तो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बताता हूँ यहाँ पे कि लिस्ट और टपल ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि आपकी इंडेक्सिंग चलती है, हर एक एलिमेंट होता है उसको इंडेक्स वाइज रखा जाता है मेमरी में, मगर डिक्शनरी में क्या होता है इसमें इंडेक्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है की और वैल्यू का पेयर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जब आप कोई वैल्यू ढूंढेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे वैल्यूज क्या है 65 89 एंड 95, तो अगर मुझे वैल्यूज ढूंढनी तो मैं की के सारे वैल्यू तक पहुँचता हूँ, ठीक है। और बाकी लिस्ट और टपल्स में क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ इंडेक्स के द्वारा उन वैल्यूज तक पहुँचता हूँ। तो हम लोग डिक्शनरी में कैसे वैल्यूज को एक्सेस करेंगे कि मैं यहाँ डिक्शनरी का नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, इसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा उस की का नाम जो कि मुझे चाहिए होगी। तो मैंने कहा मुझे मान लो पता करना है कि आदर्श के कितने मार्क्स हैं, तो मैंने इस तरह से लिखा, जहाँ मैं एंटर दबाऊंगा तो पता चल जाएगा मुझे 65 मार्क्स इसके आए हुए, ठीक है। मुझे पता करना है वरुण के कितने मार्क्स हैं, मैं क्या लिखूंगा डी स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊंगा, अंदर क्या लिखूंगा मैं की का नाम, की का नाम क्या है वरुण, जिसका मैं नंबर पता करना चाहता हूँ और पता क्या चला कि इसके 95 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं डिक्शनरी से वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है अपडेटिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को अपडेट कैसे करा जाता है। तो जितना भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मैं उसी का रिवीजन करा रहा हूँ। तो डिक्शनरी को अपडेट करना है, तो मान लो कि आदर्श जो है उसके 65 मार्क्स थे, ठीक है, वो टीचर के पास गया, उसने कॉपी दोबारा चेक कराई तो पता चला कि उसके 65 नहीं 72 मार्क्स थे। तो अब उसको क्या करना है कि डिक्शनरी में चेंज करना है आदर्श की वैल्यू, आदर्श की जो सामने जो वैल्यू है 65 उसको चेंज करना है 72 में। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे डिक्शनरी में जाओ, ठीक है, आदर्श को ढूंढो एंड अगर मिल जाए तो उसके बाद उसमें कौन सी वैल्यू रखते हैं 72। तो यहाँ अब क्या हो गया कि मेरी जो आदर्श की वैल्यू जो पहले 65 थी मगर अब वो 72 हो गई है, अपडेट हो गई है। तो अगर मैं अब डी प्रिंट करूंगा तो आदर्श की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है 72, ठीक है। तो मेरा अपडेटिंग कैसे करते हैं। फिर आता है डिलीट डिक्शनरी एलिमेंट्स। तो जब भी डिक्शनरी में हम लोग कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं क्या है, की का नाम लेते हैं, हम कहते हैं की को डिलीट करो, तो की के चक्कर में क्या होता है की भी चली जाती है और वैल्यू भी चली जाती है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, पहला कि हमें मान लो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है, तो हम लोग वो कैसे करेंगे। तो जैसे कि अभी मान लो कि मुझे इस डिक्शनरी में आदर्श को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा DEL डिलीट कर दो डिक्शनरी में, और डिक्शनरी में किसे आदर्श को, तो मैंने लिख दिया आदर्श, ठीक है। तो अब जो है मेरा आदर्श आदर्श और उसके सामने जो वैल्यू है 72 वो दोनों डिलीट हो चुकी है। तो अब मैं अगर डी प्रिंट करूंगा
सॉरी यहाँ पे डी कैपिटल कर दिया मैंने। अगर मैं अभी डी प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, अमित एंड वरुण के मार्क्स आएंगे, मतलब आधे जो है वो डिलीट हो गए हैं। एक तरह से एक चीज ये होती है कि हम लोग एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं डिक्शनरी से, ठीक है। दूसरा होता है कि डिक्शनरी को हमें पूरा पूरा खाली करना हो, ठीक है। अब मान लो कि मुझे डिलीट करना है सारे एलिमेंट्स, तो एक एक करके तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं वहां क्या लिखूंगा, डी डॉट क्लियर, डिक्शनरी है उसे क्लियर कर दो। तो बची हुई डिक्शनरी में अमित और वरुण पड़े हुए थे, अब उनको भी मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या गया, एम्प्टी डिक्शनरी आ गई, ठीक है। तो डी डॉट क्लियर से क्या होता है कि डिक्शनरी डिलीट नहीं होती, मगर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जो है डिलीट हो जाते हैं, एलिमेंट्स डिलीट होते हैं, डिक्शनरी डिलीट नहीं होती। अब मान लो कि मुझे इस डी नाम की डिक्शनरी को ही डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डी ई एल, और यहाँ पे डी नाम की डिक्शनरी को डिलीट कर दो। तो अब मैं डी प्रिंट करूंगा तो क्या है कि एरर है, क्योंकि उसको पता नहीं है डी क्या है, पहले वो डी क्या थी, डिक्शनरी थी, पर अब क्या है उसको नहीं पता डी क्या है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे, नेम डी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से तीन तरीके होते हैं डिलीट करने के। पहला एक कि आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है, वो डिलीट करना है, उस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आप क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। उसके बाद आप डॉट क्लियर का यूज करके क्या कर रहे हैं कि डिक्शनरी के सारे एलिमेंट जो है उन सबको हटा रहे हैं, मगर डिक्शनरी डिलीट नहीं हो रही है। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिक्शनरी को डिलीट करना है तो डी ई एल और डिक्शनरी का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो डिक्शनरी में हमारे पास टोटल यहाँ पे 12 फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम लोग एक करके बात करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल रहा है लेन फंक्शन, तो लेन फंक्शन, तो आप लेन फंक्शन तो पहले भी यूज कर चुके हो। तो लेन फंक्शंस क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारे इटरेबल में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप सोचोगे कि ट्रेबल्स क्या हैं, तो ट्रेबल क्या होते हैं, वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स हमारे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हैं, लूपिंग चला सकते हैं। तो किस केस पे लूपिंग चलाते हैं, टपल पे चलाते हैं, लिस्ट पे चलाते हैं, स्ट्रिंग पे चलाते हैं, अभी डिक्शनरी पे चलाना आता है हमें, ठीक है। और इसके बाद किस में, एक सेट में भी, ठीक है। अभी सेट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो लेन फंक्शन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी डिक्शनरी में काउंट कर लेता है कितने टोटल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक अपनी डिक्शनरी बनाई थी ये, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो मान लो कि मुझे पता करना है कि इस डिक्शनरी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के मतलब की वैल्यू के कॉम्बिनेशन, की वैल्यू का पेयर। जैसे कि देखो, तो एक ये एलिमेंट है, तो ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब मुझे पता करना है कितने एलिमेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, एलियन लेन, लेन निकालो फिर इसकी हमारी डिक्शनरी की। तो आंसर क्या आएगा, थ्री से, मतलब इसमें थ्री एलिमेंट्स हैं। थ्री एलिमेंट का मतलब हर एक एलिमेंट के अंदर क्या होगा, एक की वैल्यू पेयर होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा एस टी आर फंक्शन। तो अब आप सोच रहे हो कि एस टी आर फंक्शन क्या होता है, तो एस टी आर नाम से पता चल रहा है स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो जब भी हमारी कोई डिक्शनरी होती है, ठीक है, जब भी हमें इसे स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एस टी आर फंक्शन का यूज करते हैं। तो एस टी आर फंक्शन कुछ नहीं करता है, इस डिक्शनरी को उठाएगा और इसके एक कॉर्नर पे, और इधर लेफ्ट वाले कॉर्नर और राइट वाले कॉर्नर दोनों साइड पे क्या लगा देगा, डबल कोट्स लगा देगा। तो बस हमें वही करना है। तो अगर हमें डिक्शनरी को स्ट्रिंग में बदलना हो तो हम क्या लिखेंगे, एस टी आर डी, और फिर हम अगर एंटर करेंगे तो देखो ये जो है क्या हो गई है, मेरी स्ट्रिंग हो गई, समझ रहे हो। अब ये डिक्शनरी नहीं रही है, अब ये स्ट्रिंग में बदल चुकी है, टाइप कास्ट हो गई। तो इस ये टाइप कास्ट हम लोगों ने बहुत बार देखे हैं, इंटीजर से फ्लोट में, फ्लोट से इंटीजर में, लिस्ट से टपल में, टपल से लिस्ट में, है ना। और अभी यहाँ पर हमने देखा डिक्शनरी से स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन तो आप सभी जानते हो गए कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप ऑफ डी, तो पता चल जाएगा मुझे कि डी जो है वो कौन से टाइप की है, डिक्शनरी टाइप की है। तो टाइप फंक्शन क्या बताता है कि हमारा जो भी वेरिएबल है उसके बारे में बताता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, कि क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो बूलियन वैल्यू है, क्या वो लिस्ट है, क्या वो टपल है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो सेट है, क्या वो डिक्शनरी है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये क्या है, डिक्शनरी। फिर आता है हमारा क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन का भी हम लोगों ने यूज देखा हुआ है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहूंगा, बस मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने इसको कहाँ पे यूज करा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देखिए डी डॉट क्लियर किया था। डी डॉट क्लियर का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, हमारी डिक्शनरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कर देगा, मगर हमारी डिक्शनरी डिलीट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मैंने कुछ आपको बता ही दिया है। फिर आते हैं हमारे फ्रॉम कीज। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिक्शनरी में, ठीक है। अब इसका थोड़ा फंडा अलग होता है। जैसे कि मान लो कि आपको क्या करना है कि बहुत ही ज्यादा बड़ी लिस्ट है बच्चों के नाम की, ठीक है, और शुरुआत में अभी उनके एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उनके लिए एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें आप क्या चाहते हो कि उन बच्चों के नाम जो है वो कीज हों और उनकी वैल्यूज जो है वो उनके मार्क्स हों। मगर अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है, तो मार्क्स तो सबके जीरो हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पेशली अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, जैसे मान लो कि पहले बच्चे का नाम था एक्स, तो इसके मार्क्स आए 10, कॉमा अगले बच्चे का नाम था वाई, तो इसके मार्क्स आए
20, ठीक है, और अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है, तो एक्स के मार्क्स कितने हो गए, 0, और वाई के मार्क्स कितने हो गए, 0। तो ऐसे ही मान लो कि दो तीन बच्चे हो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड करके नाम, हम एक्स वाई जेड मतलब कोई भी नाम है, ठीक है, दो तीन बच्चों के लिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टाइप पे इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मगर अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को 1000 बच्चों के नाम लिखने, तो अब हम ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि यहाँ कॉमा सेपरेट करके एक्स वाई फिर एक जेड बच्चे का नाम है, इसके 0 आए हैं, ऐसे 1000 बार लिखें, 1000 बार नहीं लिखेंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, एक लिस्ट बनाते हैं। अब लिस्ट किसकी बनेगी, ऑब्वियसली बात बच्चों के नाम की बनेगी, तो बच्चों के नाम की लिस्ट है, जैसे कि मान लो एक बच्चे का नाम था यहाँ पे आदर्श कॉमा, दूसरे बच्चे का यहाँ नाम है अमित कॉमा, तीसरे बच्चे का यहाँ पे है नाम अनमोल, चौथे बच्चे का नाम है यहाँ पे अमन, ठीक है। तो अभी मान लो कि मेरे पास 4 बच्चों के नाम है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लिस्ट है ये नाम की लिस्ट है, अब मुझे क्या बनाना है, एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें ये सारे नाम भी होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू क्या होगी सबकी, 0, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, तो ऐसी जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों ने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई डी इक्वल टू ये, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि इन सारे नामों को कीज बनाना है, और उसके बाद इन सब के सामने मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है, 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि डिक्शनरी में फ्रॉम कीज, डिक्शनरी में रख दो क्या, फ्रॉम कीज, और कीज कहाँ की, जो लिस्ट के अंदर पड़ी है, तो मतलब जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसको मान लो की है, मतलब एक ये की है, एक ये की है, ये है तीसरी और ये है 4 की है। तो ये क्या करेंगे, डिक्शनरी में एलिमेंट्स रख दो, उनकी कीज क्या होगी, वो कीज कहाँ से आएंगी, फ्रॉम कीज एल, मतलब लिस्ट से जो है आप कीज उठाएंगे और उन कीज के सामने 0 लिख देंगे। तो ये क्या करेगा कि अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 0 की जगह नन आ रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता क्या चला कि डी डॉट फ्रॉम कीज से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास मल्टीपल 1000 2000 नाम है, तो उसको हम लिस्ट में रख लेंगे, हम लोग को बस एक चीज यहाँ पे लिखनी है कि डिक्शनरी में बदल दो डॉट फ्रॉम कीज, कहाँ से आएंगी कीज, वो लिस्ट से मतलब एल से। तो अपने मन से वो समझ जाएगा, देखो आदेश के सामने इसका आंसर क्या है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, नन, अमित के सामने इसकी वैल्यू क्या है, नन। बाद में हम क्या कर सकते हैं, नन को चेंज करके इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो काम था मेरा फ्रॉम कीज का। अब आते हैं हम लोग गेट फंक्शन में, तो गेट फंक्शन सब लोग जानते हैं, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है कि फ्रेंड्स ऑपिंग क्या है, ठीक है। अब देखो अब गेट फंक्शन का काम क्या होता है, गेट फंक्शन क्या कहता है कि हमारी डिक्शनरी में हमें कोई वैल्यू चाहिए, तो हमें पता करना है कि मान लो कि अमित के कितने मार्क्स आए, तो हम लोग पहले कैसे लिखते थे, ऐसे करके लिखते थे यहाँ पे स्मॉल डी, एंड देन हमें यहाँ स्पेशली नाम लिखना पड़ता था उसका, AMIT अमित, तब जाके हमें पता चलता था कि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, इसके कितने मार्क्स हैं, 20, ठीक है। मगर मुझे इस तरह नहीं यूज करना है, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, गेट फंक्शन यूज करूंगा। तो उसको कैसे यूज करते हैं कि डिक्शनरी में जाओ, डी डॉट गेट करो, क्या गेट करो, हमें क्या चाहिए, एक की चाहिए, और वो की क्या है यहाँ पे, अमित नाम ही तो हमारी की है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो भी हमारा देखो 20 ही आंसर आएगा। तो हमारे दो ऑप्शन होते हैं वैल्यू को उठाने के, एक तो होता है हमारा ये और दूसरा क्या है, डी डॉट गेट यूज करके, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे आइटम्स, तो आइटम्स के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मगर दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हमारा डी है एक डिक्शनरी, और इसके अंदर क्या है, की वैल्यू पेयर है, तो एक ये पहला की वैल्यू पेयर है, ये है दूसरा और ये है तीसरा, मतलब इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस डिक्शनरी से मुझे इसको लिस्ट और टपल के फॉर्म में लाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक लिस्ट आ जाए बड़ी सी, उसके अंदर आदर्श कॉमा 10 ऐसे करके टपल बन जाए, फिर अमित कॉमा 20, मतलब नेम के जस्ट बगल में एक नंबर हो उसको टपल में आ जाए, और वो सारे टपल जो है एक लिस्ट में आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी डॉट आइटम्स, तो डिक्शनरी में जाओ जितने भी आइटम्स हैं उनकी लिस्ट और टपल बना के ले आओ। देखो यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है, और उसके अंदर देखो खूब सारे यहाँ पे टपल्स हैं, आदर्श कॉमा 10, अमित कॉमा 20, मतलब एक की है और उसकी वैल्यू है। तो डी डॉट आइटम से क्या होता है कि हमारी की वैल्यू के जो पेयर होते हैं वो टपल्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, और जो टपल का कॉम्बिनेशन होता है वो किसमें इंक्लोज होता है, लिस्ट में, ठीक है। तो ये तो था हमारा डी डॉट आइटम्स। फिर आता है हमारा कीज, तो कीज फंक्शन भी हमारा इसीलिए काम आता है कि मान लो आपसे कोई कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि डिक्शनरी में आपके कितने कीज है, तो अब बात हो रही है यहाँ पे कीज की, तो कीज क्या है, यहाँ पे आदर्श है, दूसरा अमित है, तीसरा प्रिंस है, तो मुझे इन सबको अलग से लिस्ट में चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, डी डॉट कीज, तो इससे क्या होगा, एक लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, उसमें क्या होगा, हमारे तीनों बंदों के नाम हो गए यहाँ पे, तो ये तीनों बंदे क्या है, इनके नाम क्या है, यहाँ पे कीज है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, डी डॉट कीज,
तो अब आता है हमारा वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या होता है, तो वैल्यूज देख लेते हैं। मान लो कि मुझे डी डॉट वैल्यूज यहाँ पे लिखा, तो इससे आंसर क्या आएगा, तो मेरी डिक्शनरी में वैल्यूज क्या आए, 10 है, फिर 20 है, फिर 30। तो अगर हमें डिक्शनरी में कोई भी वैल्यूज हमें दी हो, बहुत सारी वैल्यूज दी गई हो, उसको मुझे लिस्ट में लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी डॉट वैल्यूज। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, एक लिस्ट आएगी, इसमें क्या होगा, सारी की सारी वैल्यूज, मतलब सारे के सारे मार्क्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो जब भी हम लोग डिक्शनरी पे आगे जाके प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे डी डॉट कीज और डी डॉट वैल्यूज का बहुत ही बड़ा काम होगा, तो ये वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेट डिफॉल्ट के बारे में। सेट डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी की वैल्यू पेयर को लेगा और क्या करेगा कि हमारी डिक्शनरी में वो की वैल्यू पेयर को ऐड कर देगा एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे एक नए बंदे को जोड़ना है, तो मैंने क्या लिखा, डी डॉट सेट डिफॉल्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, की वैल्यू पेयर डाली, तो मेरा बंदे का नाम था यहाँ पे अजय। ठीक है, और मैंने इसके कितने मार्क्स डाले, 50। तो यहाँ पे मैंने धोखे से कोलन लगा दिया, यहाँ पे कॉमा लगता है। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको एंटर करूंगा तो क्या होगा कि एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी अजय नाम से। तो अगली बार जब मैं डी प्रिंट करूंगा तो क्या होगा कि आदर्श अमित कपिल के साथ अगली बार क्या आ जाएगा, अजय भी जुड़ जाएगा हमारी डिक्शनरी में। तो कभी कभी क्या होता है कि हम डिक्शनरी में एक्स्ट्रा की वैल्यू पेयर जो है वो ऐड करने होते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेट डिफॉल्ट का यूज करते हैं। फिर मेरा आता है अपडेट, तो अपडेट का काम बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि मान लो कि अभी मुझे यहाँ पे अजय की वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, डिक्शनरी में जाओ अजय के पास और उसकी वैल्यू को क्या कर दो, 90 कर दो। तो अब जब मैं डी प्रिंट करूंगा तो अजय की वैल्यू देखो क्या हो गई, 50 थी पहले, अब क्या हो गई, 90 हो गई। तो अब मुझे यही काम जो है वो दूसरे मेथड से करना है, मुझे यहाँ पे ये वाला मेथड यूज नहीं करना। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, अपडेट लिखूंगा। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं लिखूंगा डी डॉट अपडेट, डिक्शनरी में अपडेट करो। अपडेट क्या करो, की वैल्यू पेयर यहाँ पास करना पड़ता है। तो अब मेरी की यहाँ पे क्या है, की हमारे अजय है, मैंने लिखा ये जो ए वाई अजय। इसके बाद तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब मान लो कि 90 से मुझे दोबारा 50 करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, 50 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं जब डी प्रिंट करूंगा तो देखो यहाँ पे अजय की वैल्यू 50 थी, तो हमने यहाँ पे इस वाले मेथड से उसको 90 करा तो उसकी वैल्यू 90 हो गई। फिर मैंने डी डॉट अपडेट मेथड यूज करा और इसकी वैल्यू को दोबारा अपडेट करके 50 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा सॉर्टेड फंक्शन। तो सॉर्टेड फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, खासकर डिक्शनरी की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है। मान लो कि मुझे यहाँ पे डिक्शनरी की कीज को सॉर्ट करके एक लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डी डॉट कीज, डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं उन सबको सॉर्ट करके हमें आंसर बताओ। देखो सॉर्टेड वे में हमारी कीज आ जाएंगी। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉर्टेड, मान लो मुझे वैल्यूज सॉर्ट करके चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, डी डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो क्या होगा, मेरी सारी वैल्यूज जो है वो सॉर्टेड वे में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो सॉर्टेड डी डॉट आइटम्स, तो अगर मैं सॉर्टेड डी डॉट आइटम्स यहाँ पे लिखूंगा तो इससे क्या होगा कि जो मेरा की है इसके हिसाब से देखो चीजें सॉर्ट होकर प्रिंट हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आदर्श सबसे पहले आएगा, इसके कितने मार्क्स आए वो, इसके बाद क्या है यहाँ पे देखो की के हिसाब से सॉल्व हो रहा है, अजय आया तो इस अगली बार यहाँ पे अजय आएगा, इसके मार्क्स आएंगे, उसके बाद अमित आएगा, इसके मार्क्स आएंगे। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपको डिक्शनरी सॉल्व करनी है तो आप क्या लिखोगे, सॉल्टेड डी डॉट आइटम, सब इतना ही लिखना और आपकी डिक्शनरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ 12 फंक्शन पढ़े जो डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शन थे। फिर हम लोगों ने इससे पहले ये भी पढ़ा था, डिक्लेयर कैसे करते हैं, वैल्यू एक्सेस कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो में कुछ समझ ना आया हो या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम हो डिक्शनरी से रिलेटेड, या फिर आपको मुझे कोई फीडबैक या फिर सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।